नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में कमाल की जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे यूपीवीसी सीपीवीसी फिटिंग्स को पहचानने का बेस्ट तरीका, जो कि दोस्तों कभी भी भूल ना पाए। दोस्तों साथ में यूपीवीसी फिटिंग्स को जानेंगे, यूपीवीसी हो या सीपीवीसी किस फिटिंग्स को क्या कहते हैं और किस फिटिंग्स का कहां पास उपयोग किया जाता है। इसके बाद जानेंगे यूपीवीसी सीपीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं यूपीवीसी सीपीवीसी है क्या। तो दोस्तों सीपीवीसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह पाइप क्लोरीन मिश्रण का एक यौगिक से बनाया जाता है, अतः यह आधुनिक प्रकार का एक पाइप है। यह पाइप 10 से 17 फुट तक की लंबाई में आता है, आधा इंच से 3 इंच तक का पाइप आता है। इसे हम सीपीवीसी पाइप कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। बात करें इस पाइप के खास बात की, दोस्तों इस पाइप में यह खास बात होती है कि इस पाइप में हम 90 से 93 डिग्री तक के सेल्सियस तक के तापमान को इसमें सप्लाई कर सकते हैं, साथ में गर्म और ठंडा पानी दोनों सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसे हम सीपीवीसी कहते हैं। अब आता है यूपीवीसी। यूपीवीसी का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। इस पाइप का प्रयोग हम ठंडे पानी की सप्लाई के लिए करते हैं। ओनली फॉर इस पाइप में हम ठंडा पानी को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें हॉट वाटर का सप्लाई किया जाता है, इससे सभी ज्वाइंट्स खुल जाते हैं। हॉट वाटर के लिए बनाया नहीं जाता। अब दोस्तों बात करते हैं इस फिटिंग्स के बारे में, चाहे वो यूपीवीसी फिटिंग्स हो या यूपीवीसी या सीपीवीसी, दोनों में से कोई भी फिटिंग्स हो, हर फिटिंग्स को एक ही जैसे यूज किया जाता है। जैसे बात करें एल्बो, दोनों ही में ही, यानी सीपीवीसी हो या यूपीवीसी, दोनों का फिटिंग्स जो होगा 90 डिग्री पर पाइपलाइन को मोड़ने के लिए ही किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें फिटिंग्स का उपयोग, किस फिटिंग्स का कहां पास उपयोग किया जाता है। हम एक ही फिटिंग्स की बात करेंगे, वो होगा सीपीवीसी। तो दोस्तों आप लोग समझने के लिए दोनों ही फिटिंग्स को समझ सकते हैं कि ये एल्बो है। तो दोस्तों हम सीपीवीसी के फिटिंग्स का उपयोग करेंगे। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो काफी यूजफुल है। तो नंबर वन की फिटिंग्स की बात करें तो नंबर वन पे आता है अपना सीपीवीसी सॉकेट। दोस्तों इस सॉकेट का प्रयोग हम दो पाइपलाइन को सीधी अवस्था में जोड़ने के लिए, यानी दोनों पाइपलाइन को ज्वाइंट्स करने के लिए हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। इसे हम सॉकेट कहते हैं। यह कई साइजों में आता है, आधा इंच से लेकर के 3 इंच सीपीवीसी फिटिंग्स में आता है, इसे हम सॉकेट कहते हैं। अब आता है दोस्तों रिड्यूसर, जिसे हम रिड्यूसर सॉकेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो अलग अलग व्यास की पाइपलाइनों को एक साथ जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर सॉकेट का प्रयोग करते हैं। यह अलग अलग साइजों के व्यास में आता है। इसके दोनों साइडों पर अलग अलग व्यास बना होता है, जैसे एक साइड 1.25 इंच और एक साइड 1.25 इंच, यानी कि हम 1.25 इंच के पाइप को 1.25 इंच के पाइप से कनेक्ट करने के लिए हम रिड्यूसर सॉकेट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसको रिड्यूसर सॉकेट कहते हैं। अब आता है दोस्तों FTA। FTA का फुल फॉर्म होता है फीमेल थ्रेड एडाप्टर। दोस्तों इस एडाप्टर का प्रयोग अलग अलग फिटिंग के लिए अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इस फिटिंग्स का प्रयोग GI पाइप फिटिंग से CPVC पाइप फिटिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम FTA का प्रयोग करते हैं, और भी कई जगह पर, जैसे पॉइंट्स को देने के लिए, 20 पॉइंट्स को देने के लिए, कई जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इसे हम FTA फीमेल थ्रेड एडाप्टर कहते हैं। अब आता है दोस्तों MTA। MTA का फुल फॉर्म होता है मेल थ्रेड एडाप्टर। इस एडाप्टर का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग फिटिंग्स को करने के लिए किया जाता है। इसका ज्यादातर प्रयोग ऐसे जगहों पर किया जाता है जहां पास अंदरूनी चूड़ियां बनी होती है, यानी कि अगर FTA कहीं पास फिटिंग्स है, या चाहे ब्रास में हो या कि GI में हो, किसी भी जगह पर अगर हमें आगे के लिए लाइन को ले जाना है, CPVC हो या UPVC हो, जिस भी फिटिंग्स को हमें आगे बढ़ाना होता है, उस फिटिंग्स के एडाप्टर को हमें यहाँ लगाना होता है। इसे हम MTA बोलते हैं, जिसे हम मेल थ्रेड एडाप्टर कहते हैं। अब आता है एल्बो, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह अंग्रेजी के L अक्षर के जैसा होता है। इसका प्रयोग CPVC लाइन को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। 90 डिग्री पर पाइपलाइन को मोड़ने के लिए हम एल्बो का प्रयोग करते हैं, इसे हम एल्बो कहते हैं CPVC। अब आता है सू एल्बो, जिसे हम 45 डिग्री एल्बो कहते हैं। इस एल्बो का प्रयोग ज्यादातर CPVC लाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए, 45 डिग्री पर पाइपलाइन को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसे हम सू एल्बो कहते हैं। अब आता है रिड्यूसर एल्बो। अभी तक बताए गए 90 डिग्री एल्बो की तरह ही होता है, परंतु इस एल्बो का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पास समकोण की लाइनों के व्यास को घटाना या बढ़ाना होता है, वहां पास हम
रिड्यूसर एल्वो का प्रयोग करते हैं, जहां पास कम व्यास की लाइन सी पीवीसी लाइन कम व्यास की लाइन को अधिक व्यास की लाइन में जोड़ना होता है या कि अधिक व्यास की लाइन को कम व्यास की लाइन पे जोड़ना होता है, वहां पास हम रिड्यूसर एल्वो का प्रयोग करते हैं। इसे हम रिड्यूसर एल्वो कहते हैं। क्रॉस टी, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यह क्रॉस में बनी होती है, अतः इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर करना होता है जहां पास एक ही स्थान से दो विपरीत दिशाओं पर समकोण की लाइनों को ले जाना होता है, यानी कि दो विपरीत दिशाओं पर 90 डिग्री की लाइनों को अलग अलग दिशा पर चारों दिशाओं को ले जाना होता है, वहां पास हम क्रॉस टी का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्रॉस टी कहते हैं। अब आता है टी, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसकी शक्ल अंग्रेजी के टी अक्षर से मिलती जुलती है, अतः इसको हम इक्वल टी भी कहते हैं। इसका प्रयोग समकोण पर ब्रांच लाइन को निकालने के लिए किया जाता है, यानी कि सीधी जा रही लाइन पर ब्रांच लाइन को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम टी कहते हैं। अब आता है रिड्यूसर टी। रिड्यूसर टी सेम टी जैसे ही होती है, परंतु इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर समकोण पर कम व्यास की लाइनों को निकालना होता है, वहां पर हम रिड्यूसर टी का प्रयोग करते हैं। इसे रिड्यूसर टी